Hello and welcome to my channel Spellbound Art by Smriti and this is Smriti. Well, आज फिर से हम बनाने वाले हैं एक नया क्राफ्ट वर्क जो हम यूज करने वाले हैं वेस्ट मटेरियल को और हम बनाने वाले हैं आज एक DIY वेस्ट बॉटल के ऊपर. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप लोग को तक सबसे पहले पहुंचे. तो आज की वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो एक बॉटल आर्ट पे बनाने वाले हैं और एक शोपीस बनाऊंगी जो कुछ इस तरह का दिखने वाला है. आपको मैं दिखाती हूँ कौन सा शोपीस का वीडियो आज हम बनाएंगे. तो ये बनाने वाले हैं हम और ये एक वेस्ट बॉटल है जिसके ऊपर मैंने ये क्राफ्ट वर्क किया है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. आज हम बनाने वाले हैं इस बॉटल का DIY. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या लगेगा और क्या क्या इससे बन सकता है इस बॉटल से. तो सबसे पहले मैंने ये वाला बॉटल लिया है, इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है. इसके ऊपर जो भी स्टिकर लगे हुए थे सबको मैंने अच्छे से वॉश करके निकाल लिया है और फिर ड्राई कर लिया है. अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एक मार्क जहां पे हमें बनाना है एक, मैं एक बनाने वाली हूँ बॉटल पर, एक हाउस बनाने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जिस एरिया तक में बनेगा उस पे मैं एक मार्क डाल लेती हूँ. मैंने इस बॉटल पर अप्रोक्सीमेटली मार्क्स बना दिए हैं इस तरह से कि मुझे कहाँ पर हाउस का डोर चाहिए, इस तरह से मुझे ये स्पेस पूरा चाहिए. आपको जिस भी शेप का दरवाजा रखना हो आप उस शेप से बना सकते हो. अब हम लेंगे फेविकॉल. उसमें हम थोड़ा सा ग्लू मिला, इस फेविकॉल में थोड़ा पानी मिला लेंगे और पानी मिलाने के बाद ये सारे एरिया में हम पेपर नैपकिन से इसको कवर कर देंगे. इस तरह से आपको इसको पूरा कवर करना है. आप आराम से फेविकॉल में थोड़ा पानी मिला लेंगे तो इससे थोड़ा सा ये लिक्विड जैसा हो जाएगा और इसको लगाने में आसानी होगी. तो इस तरह से आपको इस एरिया को छोड़ करके आपको इस पूरे बॉटल को कवर करना है. अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और अब इसके ऊपर हम कार्डबोर्ड का एक दरवाजे के आकार का टुकड़ा लगाएंगे इस साइड और इस शेप का हम लगाएंगे इस साइड. तो चलिए ये काम कंप्लीट करते हैं. कार्डबोर्ड से इस तरह के पीसेस काटेंगे. यहाँ पे मैंने 3 पीस काट कर इसको गम की मदद से स्टिक कर दिया है और ये 1 पीस तैयार किया है. इसी तरह से हमें पूरे 5 पीस तैयार करने हैं. इसमें मैंने 3 कार्डबोर्ड को अटैच किया है एक साइज के और बाकियों में मैंने सिर्फ 2-2 अटैच किया है.
और इस तरह से हम इस पीसेस को काटेंगे और फिर स्टिक करेंगे एक के ऊपर एक, इस तरह से स्टिक कर लेंगे। इस तरह से स्टिक करना है इसको और उसके बाद फिर इस बॉटल को यहाँ से अटैच कर देना है। तो चलिए अब स्टिक करते हैं इसको। अब हमने इसको अच्छी तरह से अटैच कर लिया है और ये ड्राई भी हो गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक हट के टाइप का लुक देंगे। इसके लिए हम लेंगे कार्डबोर्ड, ये कार्टन का, और कार्टन का ये हिस्सा जो है इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। आप इसका ये हिस्सा निकाल लेंगे। तो ये जो पार्ट है, जैसे आप घरों में देखते हैं एस्बेस्टस के घरों में जिसका लुक इस तरह का आता है, इस तरह के हिस्से को हमें कार्टन से निकाल लेना है और फोर पीसेस हमें कट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कट करके रखा है, इस तरह से आपको कट करना है इस वे में। इस तरह से आप कट करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से अटैच करेंगे। तो चलिए ये काम पूरा करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये अटैच करना है। काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने कुछ पार्ट स्किप किया है, पर मैं आपको डिटेल में पूरा बता दूंगी कि क्या क्या पार्ट मैंने स्किप किया है। अब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे और स्किप किए हुए पार्ट को मैं बता देती हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्ले वर्क किया है, ये आप देख सकते हो। इस तरह से आपको जिस भी स्टाइल में बनाना है वो क्ले वर्क कर लेना। मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किए हैं, आप जितना अच्छे से साफ सफाई से और छोटे छोटे एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर काम करते हो आपका वर्क उतना ही खूबसूरत बनता है। और मैंने यहाँ पर जो छोटे से अभी कुछ एलिमेंट्स ऐड करूंगी, आप देखो मैंने इतने छोटे से डोर हैंडल बनाया है इस तरह से। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जो आपके काम को बहुत खूबसूरत बनाएगा। ये घर की मैंने कुंडी बनाई है छोटी सी, इस तरह से आपको बनाना है। और मैंने बैक साइड में यहाँ पे एक फ्लावर का पॉट भी बनाया है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको बनाना है ये फ्लावर का पॉट। आप क्या करोगे, आपके पास अगर कोई ऐसी ब्रश होगी तो आप उसके ऊपर क्ले को डालोगे और गमले की शेप में क्ले को काट लेना। क्ले को थोड़ी देर तक छोड़ना, उसके बाद काटिएगा तो आप क्ले को आराम से काट पाएंगे। और उसके बाद एक चौड़ी सी पट्टी ऊपर डाल देना और यहाँ पे भी पाइपिंग के जैसे डाल देना, जिससे आपका ये गमला बिल्कुल
नेचुरल जैसा लुक देगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बनाया है, और ये थोड़े देर के बाद ड्राई जब हो जाएगा तो इस तरह से हार्ड हो जाएगा, और इस तरह से आपको बनाना है और छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करते जाना है। यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स भी बनाए हैं, ये प्लांट्स तो आप अपने मन से जितना भी सजाओ, जितनी खूबसूरती से सजा सकते हो सजाओ, अच्छा दिखता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रिक लगाया है, ये भी क्ले से ही लगाया है। अब इस पार्ट पे हम आते हैं, यहाँ पे मैंने क्ले का काम किया हुआ है इस जगह पे, पर अगर आपके पास सनबोर्ड शीट अवेलेबल हो जो कि फोम बेस्ड शीट होता है, आप लेना 4 mm साइज का अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उसका अगर ये बनाओगे तो आपका लुक और भी अच्छा आएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने क्ले का ही यूज किया है और उससे मैंने ये बनाया है। और इस जगह पे मैंने मेरे पास जो पेपर स्टिक मैं हमेशा बनाती हूँ, पेपर स्टिक से मैंने इसको ये बना दिया है। अभी यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह डंडियां भी मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, उसके बाद फिर हम क्ले का कुछ और भी काम करेंगे, जैसे कि प्लांट्स ऊपर तक लगाएंगे बेल के जैसे, ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। तो इस तरह से आप जितना भी एलिमेंट्स ऐड करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हम जैसे ड्राई होगा तब हम इसको पेंट करेंगे। तो चलिए अब फटाफट से वो बाकी का भी काम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको पूरा पेंट कर लिया है और इसको बस थोड़ा सा ड्राई होने के लिए दूंगी, और ड्राई होने के बाद हम इसको करेंगे वर्निश। वर्निश करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ लिटिल बर्डी का डेकोर वर्निश, और इसका सिंगल कोट लगा के वर्निश कर लेंगे तो ये प्रोटेक्ट भी हो जाएगा, डस्ट फ्री हो जाएगा और इसमें शाइनिंग भी आ जाएगा। तो बस ये लास्ट स्टेप है, ये करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नाउ ये ऑलरेडी रेडी हो चुका है और अब हम इसमें लगाएंगे लाइट और इसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। और ये देखिए, ये सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और ये है इसका फाइनल लुक, और ये सच में बहुत प्रिटी दिख रहा है। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो देखिए हमने वेस्ट मटेरियल का कितना अच्छा यूज किया है। तो देखा आपने, हम वेस्ट मटेरियल से कितना कुछ बना सकते हैं। एंड आई थिंक आपको मेरे इस बॉटल के ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज बहुत सारा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जल्दी जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो, मिलते हैं फिर से एक नए दिन में नए आइडिया के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।